नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे बचे हुए पार्ट की, यानी कि एम्बिशन इंक्रीज्ड कम्पिटिटिवनेस। जो हमने बात करी थी कम्पिटिशन की, उसी का एक रूब्रिक था एम्बिशन इंक्रीज। उसी के आगे के रूब्रिक हम डिस्कस करते हैं। तीन रूब्रिक हमारे मोटे मोटे बचे हैं, एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम, एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, एंड एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, एवरी पॉसिबल मीन्स एम्प्लॉयड फॉर इंक्रीज एम्बिशन। ये तीन रूब्रिक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम। इसमें मुख्यतः सात मेडिसिन हैं जिनके बारे में अगर मैं नाम लू तो एलुमिना, ऑरम सल्फ, कोनियम मैकुलेटम, ग्रेफाइटिस, लेकेसिस, नक्स ओमेगा एंड स्टेप सिगरिया। दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा है कि लेकेसिस इज वेरी एम्बिशियस मेडिसिन। वो अपना नेम फेम चाहता है, वो चाहता है कि जैसे कि हम नाग जानते हैं कि स्नेक से बनती है, तो जैसे नाग पंचमी पे सारे नागों की पूजा होती है, इस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि नाग जो लेकेसिस है वो चाहता है कि चारों तरफ मेरी पूजा हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे चाहें। इसी तरीके से नक्स ओमेगा चूंकि एक रूलर होता है, वो एक रूल करने वाली कॉम्पिटिशन वाली रेमेडी है, वो अचीव करता है अपने कॉम्पिटिशन फाइट। इसके बाद इसके अंदर बात करूं मैं ऑरम सल्फ, नक्स ओमेगा और स्टेप सिगरिया की, तो तीनों की तीनों रेमेडीज एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड में पड़ी है। इसका मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ठेस लगती है, इनके आत्मसम्मान को बहुत जल्दी ठेस लगती है, इसलिए ये उस पोजीशन को पाना चाहती हैं ताकि यहां पर कोई इनकी आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचा सके। इसलिए ऑरम सल्फ, नक्स ओमेगा और स्टेप सिगरिया इसके अंदर पड़ी है। और मैं इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले रूब्रिक की, जो कि है एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी। एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी के अंदर छह मेडिसिन है, आर्सेनिक, कैल्केरिया, कार्सिनोसिन, लाइको, नक्स ओमेगा और सल्फर। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको तीन मेडिसिन बता देता हूं, कैल्केरिया, लाइको और सल्फर, जो कि पड़ी हैं गैम्बलिंग मेक, ऐसी मेडिसिन है जो गैम्बलिंग मनी मेक फ्रॉम द गैम्बलिंग, यानी कि पैसा आप सट्टेबाजी में, जुएबाजी में लगाकर भी कमाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए दोस्तों। इसीलिए ये इतने एम्बिशन में चले जाते हैं कि खुद को कंगाल भी कर डालते हैं एक बार को, क्योंकि गैम्बलिंग में चले गए, आपने ऐसी जुए सट्टेबाजी की आदत डाल ली जिससे आप अपने खजाने खुद के खाली कर लेते हैं। बात करूं कार्सिनोसिन की, तो कार्सिनोसिन दोस्तों इसीलिए इसमें रहती है क्योंकि वो रिलेशन में टॉपेस्ट रहना चाहती है, उस वो चाहती है हमेशा सामने वाला मुझे प्यार करे, मुझे केयर करे, मुझे चाहे, लव अफेक्शन की रेमेडी है। दैट्स वाई वो इस तरह के पैसा चाहती है कि हर किसी को मैं गिफ्ट कर सकूं, हर किसी को मैं उसकी जरूरत की चीजें दे सकूं, उसको केयर दे सकूं, ताकि ये अपना प्यार जो मुझे दे रहे हैं बदस्तूर देते रहे। दोस्तों, इसके अलावा जो इसके अंदर रेमेडी पड़ी है आर्सेनिक, वो इसलिए है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक इनसिक्योर रेमेडी है, इसको इनसिक्योरिटी रहती है, फियर ऑफ पॉवर्टी रहती है, जस्ट लाइक ब्रायनिया। ब्रायनिया के अंदर टॉपेस्ट लेयर ऑफ फियर ऑफ पॉवर्टी है, इसीलिए वो सब चीजों में ड्राइनेस हो जाती है उसके, वो कोई भी चीज को एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहता। कहते भी हैं कि ब्रायनिया इज बनिया रेमेडी और बिजनेसमैन रेमेडी, दैट्स वाई ये ब्रायनिया। लेकिन यहां पर देखो, आप इतना सब होने के बावजूद भी टू मेक मनी के अंदर वो नहीं है, क्योंकि जो मिलता है वो उसी को बचाती है, ऐसा नहीं है कि वो और बनाना चाहती है, पर यहां क्या है, वो मेक मनी, मनी भी बनाना चाहता है और बचाना भी चाहता है। तो एवराइस होने के साथ साथ आर्सेनिक के अंदर एक क्वालिटी है टू मेक मनी, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट करना जानता है, ब्रेनी होता है और साथ ही साथ वो अपनी चीजों को पहचानता है कहां मुझे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इसका जो तीसरा रूब्रिक हमने आज बात करने की बात करी थी कि मीन्स अप्लाइड एवरी मीन्स अप्लाइड फॉर एम्बिशन इंक्रीज। अब इस तरह का इस लेवल पे एम्बिशन पहुंच चुका है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अपनी पोजीशन से ना हटूं। तीन रेमेडियां दोस्तों जिंदगी भर याद रखिएगा, लाइको, प्लेटिना एंड वेरेट्रम, तीनों ही टॉपेस्ट रेमेडी हैं जो हमेशा टॉप में रहना चाहती है। लाइको आप देख चुके हो लगातार सभी रूब्रिक के अंदर आई है, जो गैम्बलिंग करके पैसा कमाता है, जो पैसा बनाना जानता है, जो फेम के लिए परेशान है, जो नेम के लिए परेशान है, जो हर चीज में आगे रहना चाहता है, तो दोस्तों वो साम दाम दंड वे सब कुछ लगा देगा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। प्लेटिना और वेरेट्रम की मैंने आपसे पहले बोली थी कि ये दोनों ही ऐसी रेमेडीज हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी ये कुछ भी करके अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती हैं। यानी कि वेरेट्रम तो हम पहले से जानते हैं, इतना स्क्वैंडरिंग होता है, इतना पैसा खर्च करता है, वो शायद इसमें भी पैसा खर्च कर सकता है कि मेरी पोजीशन डाउन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से प्लेटिना इस लेवल पे हाइटेंड होती है इगोइज्म में कि वो कभी भी अपने पोजीशन को डाउन नहीं होने देती।
तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करती हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी। आप ध्यान से मेरे वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, और जूनियर सीनियर जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं मेरी अच्छी बातें या आपको लगता है कि अच्छी बातें हैं आगे तक जानी चाहिए, तो आप उनको बेधड़क आगे भेजिए, शेयर करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। अगर आप चाहते हैं कोई एक स्पेशल मेडिसिन पढ़ना, स्पेशल टॉपिक पढ़ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल उस पर एक नई वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आगे ऐसे ही लगातार वीडियो मिलने के लिए आप बेल आइकन है उस पर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।